इसने मेरे को बोल दिया तुम कुछ कर लो, मैं निकलने नहीं दूंगा। न्यू लेटर आया है, देखो क्या है। आप ऑर्डर निकालो कि नहीं है। हाँ आप लिख रहे, ऑर्डर निकालूंगा है। हमारे एनएच का लेटर है, ये नहीं मान रहे। क्या लिख रहा है सर लेटर में आप? ऑर्डर क्या होता है आपको ऑर्डर नहीं पता? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर दिखाई ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर दिखाई रहा है। तो कारण क्या इसका कुछ बताओगे? बता देंगे ना, अभी तो आदेश ले रहे हैं हम, दो मिनट रुक जाओ। अपना बचाने के चक्कर में कोई और लेटर, मतलब सोचा कि नॉर्मल आदमी होगा, अंग्रेजी नहीं आती होगी, बट पढ़ लिया। बताइए हमारे लेटर लेटर आरटीआई ऑर्डर नहीं होता। आप कोई भी आरटीआई, अगर मैं आरटीआई अपना ऑर्डर हो जाएगा, लाइन क्लियर कराइए, लाइन गाड़ी साइड कराइए, नहीं होती आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित शरण, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल इस समय जो है नेशनल हाईवे 152 डी के ऊपर मौजूद हूं, और नया नया टोल बना है, और नया नया जो है हंगामा खड़ा हो चुका है। क्या कुछ पूरा मामला है फिलहाल जो भाई, फौजी रिटायर्ड ऑफिसर जो हैं, और फिलहाल वो यहां पर मौजूद हैं। भाई नीचे ना करिए, थोड़ा पजामा पहन रहा हूं, और जाने लाग रहे थे तो भाई रास्ता में जो है हंगामा दिख गया, तो पूरा मामला भी जो जानेंगे। और सर क्यों जी, सर क्यों जी, भाई साहब क्या कुछ मामला बताओ। भाई आर्मी का टोल माफ है। अच्छा जी, और ये आर्मी का टोल वसूल ले जाते से मिली, और अभी आते समय जबरदस्ती टोल ले रही। अच्छा जी, आपकी क्या मांग है जी? नहीं लगना चाहिए, कहीं भी नहीं लगता, किसी भी टोल पे नहीं लग रहा, और बातचीत करने का तरीका भी ठीक नहीं इनका। 152 नया नया टोल बनाया और नए नए हंगामे हो। हाँ वही प्रॉब्लम है जी। तो टोल जो है हर जगह है, किसी भी जगह पे नहीं लगता, लेकिन इधर ही ले रहे हैं बस एक ही जगह। भाई साहब क्या कुछ मामला है और बताओगे, क्योंकि नया नया टोल बनाया और नया नया जो हंगामा करने लगे, और हर जगह जो देखने मिले 152 के ऊपर जरूर था जरूर हंगामा हुआ है, तो कारण क्या इसका कुछ बताओगे? बता देंगे ना, अभी तो आदेश ले रहे हैं हम, दो मिनट रुक जाओ। नहीं, फौजियों का मतलब छूट नहीं है क्या फौजियों की? पर्सनल व्हीकल पे किसी को भी एग्जामिनेशन नहीं है, जिसको देगी एनएचएआई देगी, ठीक है। अच्छा, मतलब पर्सनल व्हीकल के ऊपर किसी को भी नहीं है, उसका ऑर्डर निकलेगा। आप जो ऑर्डर आदेश होगा वो एनएचएआई का, हम लोग लागू होगा, नहीं है, नहीं है। आप ऑर्डर निकालो कि नहीं है। हाँ आप लिखे, मैं ऑर्डर निकालूंगा है, आप वोट निकालो नहीं है, क्योंकि आप बता दो, आप वो सीधी बात है। हम तो भाई और काम करते हैं, और काम घर गृहस्थी अपना काम करना। क्या कुछ मामला सर आपके पास, किसकी वगैरह क्या कॉल आई है? भाई हमारे पास तो ये अपने मेजर साहब हैं, इनकी कॉल आई है कि भाई टोल ले रहे हैं हमारे से। भाई हम मिलिट्री पर्सन हैं, तो हम ऑफिसर हैं, और हमारे से टोल लिया जा रहा है कि ये नहीं निकलने दे रहे यहाँ से, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा माफ है, ये मैटर है। तो फिलहाल जो भाई, जो आपका नाम क्या है जी? आपका नाम तो बता दो। लक्ष्मण बेनीवाल। आपकी क्या रैंक पे हो आप यहाँ पर? मैनेजर हूँ। मैनेजर हो, तो भाई यहाँ पर जो है लक्ष्मण जो हैं ये मैनेजर हैं, और इनका मानना ये है कि भाई जो यहाँ पर जितना भी जो है पर्सनल व्हीकल जाओगे जो है उसके ऊपर जो है टोल लगेगा, चाहे फौजी का जाओ चाहे किसी का लाओ जाओ। और मैनेजर साहब ये कहने लग रहे हैं कि मैं लिखित में जो है ऑर्डर है वो एनएचआई के, वो लिखित में जो मैं निकाल के दे रहा हूँ, अब यहाँ पर टोल लगेगा। और फिलहाल जो यहाँ पर रिटायर्ड ऑफिसर जो है, रिटायर्ड नहीं हो अभी फिलहाल, सर्विस में हो, एक रिटायर दो सर्विस। अच्छा, एक रिटायर दो सर्विस। तो और इनका मानना ये है कि भाई जो है हर जगह जो है फौजियों को जो है छूट दी जाती है, अब भी जो टोल माफ है, लेकिन जो ये यहाँ पर जो है मैनेजर साहब जो है लक्ष्मण जी, ये जो मना करने लग रहे हैं भाई टोल माफ नहीं होगा, टोल लगेगा। और नया नया जो है टोल बनाया है, नया नया जो रोड बनाया था उसके ऊपर जो हंगामे जो है देखना काफी मिलने लग रहे हैं। यो एक्सप्रेस वे है, एक बात मैं आपने जानकारी के लिए बता दूं, एक्सप्रेस वे है और इसके ऊपर जो बाइक भी अलाउड नहीं है। तो फिलहाल जो है मामला यहीं पर अटक रहा है कि भाई फौजी जो ऑफिसर हैं उनको ऊपर है, उनकी गाड़ी का जो है टोल लगेगा या नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी ये कहने लग रहे हैं कि भाई जो उनका टोल माफ नहीं होगा, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा टोल माफ है, हर जगह होने लग रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो फिलहाल वो जो ऑर्डर निकाल के देने लग रहे हैं, और फिर जो फौजी ऑफिसर हैं वो यूँ कहने लग रहे हैं फिर मैं एक ऑर्डर निकाल के दूंगा एनएचआई का, जिसमें ये लिख रहा है कि भाई जो फौजी ऑफिसर का जो है टोल माफ है। तो पूरा मामला जो था मैं आपने बारीकी से दिखाऊंगा, रिकॉर्ड करके चलूंगा, कल को बोल देंगे मैं, रिकॉर्ड करके चलूंगा। बिल्कुल, हमारे पास भी रिकॉर्ड होने लग रहा है सारा। ठीक है, मैं इनके मैनेजर से बात कर रहा हूँ, थोड़ा क्या बोल रहे हैं बात करनी चाहिए इनको। मैंने इनसे पूछा है कि भाई वो निकालो कि आप एग्जेम्प्ट नहीं है, फिर मैं दिखाऊंगा कि एग्जेम्प्ट क्यों नहीं है। मेरे पास सारे लेटर हैं, क्योंकि इनके पास वो सारा काम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लाइव तस्वीरें आप संसार क्रांति के माध्यम से देख रहे हैं, साथ के साथ जो खबर को शेयर जरूर करें। मैनेजर साहब को जवाब दे रहे हैं, सब जवाब
आज ये जो कार्रवाई हो रही है अच्छी हो रही है, आगे के लिए अच्छी। हाँ बिल्कुल भाई, आगे इस वीडियो को जो पूरा देखे जो भी इस रोड से जो गुजरता है, ताकि कल ना किसी और के साथ नहीं हो। बिल्कुल ये कार्रवाई जो रही है अच्छी हो रही है, कागज आगे के लिए अच्छे निकल रहे हैं। तो सर एक बात और है, और जो हर जगह पे जो टोल माफ है इसी इसके ऊपर नहीं है क्या? सर पूरे देश की जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी, मेरे तो प्लाजा की एनएचआई ने तो ले रखी है। कुछ और ही है ये लेटर, वो नहीं है, हमसे रिलेटेड नहीं है, एक जनरल लेटर है, हमसे रिलेटेड नहीं है। क्या है इसमें? ये जनरल लेटर है, आप बता दो ना फिर क्या जनरल लेटर है। ये कोई लेटर नहीं है, हमसे रिलेटेड है ही नहीं है। बताओ इतनी अंग्रेजी आती है, मैं पूरा पढ़ के बता दूं। बिल्कुल ये जनरल लेटर है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। क्या लिख रखा है लेटर में? क्या था लेटर लिख रहा है कि ये रूल रूल के बेसिस पे इसको ये करना है, ये करना है, ये एग्जम्प्ट है। अच्छा, जो फौजी ऑफिसर के लिए उसके लिए कोई गाइडलाइन है, कोई उनसे लेना ही है या नहीं लेना? वो कुछ और आपके पास कोई लेटर है जिसमें ये कोई टोल फ्री कर रहे हैं अपना बचाने के चक्कर में? कोई और लेटर मतलब सोचा कि नॉर्मल आदमी होगा, पर अंग्रेजी नहीं आती होगी, मतलब पढ़ लिया, बताइए हमारे रिलेटेड लेटर। बिल्कुल जी। अभी तो भाई मैनेजर साहब जो है लक्ष्मण जी जो है फोन पर बात करना, आ गई तस्वीर दिखा दे रहा हूँ। इस खबर ने जो है साथ के साथ जो है शेयर जरूर करते रहे, क्योंकि आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सका है। पूरी जानकारी जो इसमें मिलेगी के आर के पार सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई इसमें जो है माफ होगा या नहीं होगा, पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, आज पता तो है, नहीं तो नहीं है, आज पता सुनने मिला है कि भाई है या नहीं है, है या नहीं है। तो नेशनल हाईवे 152 डी के ऊपर मौजूद हाँ, और नया नया जो है रोड बना था। तो मैनेजर साहब से जो है जवाब जरूर ले मांगे आप ही। बिल्कुल लक्ष्मण जी, क्या कुछ बताओगे? आपने लेटर दिखा तो उसमें क्या लिख रखे हैं? ये लेटर ये नहीं मान रहे हैं, हमारे एनएच का लेटर है, ये नहीं मान रहे। क्या लिख रखा है लेटर में? आप पढ़ के सुनाओ। लेटर में जब वही नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या पढ़ूं उसमें? एनएच का लेटर है, इसमें ही लिखा है कि नो एग्जामिनेशन पर्सनल व्हीकल, पर्सनल व्हीकल पे किसी को भी एग्जामिनेशन नहीं है। है तो वो फास्ट टैग देगी एनएचआई सबको, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। अच्छा जी जी, फास्ट टैग हमारा एग्जाम टाइम दिखा दिया, आप और दिखा दो। आपके पास जीरो फास्ट टैग है? हां जीरो फास्ट टैग, पर उससे क्यों नहीं खुल रहा है वो? आप एनएचआई को कंप्लेंट तो कर सकते हो ना। भाई मेरा कार्ड है तो आप करो ना, मैनुअल उठाओ उसको, मैनुअल उठाओ ना, मैनुअल उठता है देखो, मैनुअल भी तो है, बहुत बार ये फंस जाता, मैनुअल उठाते हो आप लोग। चलो भाई, आज इस बात का जो है तोड़ हो जाएगा बिल्कुल, अगर भाई लगाएगा या नहीं लगेगा। भाई एनएचआई ने गाइडलाइन ये दे रखी है भाई, पर्सनल व्हीकल पर जो है टोल जो है लगेगा। और फौजी साहब जो है, आप कौन सा लेटर ले रहे हो? जो आपके लेटर में क्या लिखा हुआ है बता देंगे, कॉन्फिडेंशियल होता है। बिल्कुल जी ठीक है, फौजी लेटर कॉन्फिडेंशियल होता है, आपको बता हां जी साहब। चलो जी पहले एक बार हो जाए। चलो स्पीकर पकड़ियो जी, लो जी करियो बातें, बात करियो, स्पीकर पकड़ो। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी मैं मेजर प्रवीण बोल रहा हूँ, सर्विंग ऑफिसर। अच्छा अभिमन्यु जी, मतलब मैं आ रहा था, क्रॉस कर रहा था, तो दे हैव स्टॉप्ड मी एंड दे आर आस्किंग मी फॉर टोल एंड एवरीवेयर आई डिडंट पेड एनी टोल, सो आई हैव सोल्ड देम द ऑर्डर बट दे आर शोइंग मी आरटीआई। आई जस्ट वॉन्ट द ऑर्डर, लेटेस्ट ऑर्डर, वेयर इज द लेटेस्ट ऑर्डर? हाँ नहीं नहीं, मैं कहीं भी भाई, मैं असम से आया हूँ 10 दिन पहले, पूरे इंडिया में, पूरे ऑल इंडिया में आज तक नहीं दिया मैंने। मेरा फ्रेंड भी है जो भी मेजर ही यहीं पर ही दूसरी गाड़ी से आ रहा था। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो आरटीआई है, ऑर्डर दिखाइए प्लीज़, मैं इधर ही खड़ा रहूँगा, पुलिस भी इधर ही है। ऑर्डर दिखाओ ना, हाँ ऑर्डर दिखाओ ना, ऑर्डर को आपको पता नहीं है। देखो मैं, हम काम करते हैं ऑफिस में, हमें पता है ऑर्डर क्या होता है, अथॉरिटी क्या होती है। ऑर्डर दिखाइए ना प्लीज़, देखो मैं आपसे, ऑर्डर दिखाइए, आप ऑर्डर दिखाइए मुझे, ऑर्डर क्या होता है? आपको ऑर्डर नहीं पता, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर दिखाइए ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर दिखाई रहा है, आरटीआई ऑर्डर नहीं होता। आप कोई भी आरटीआई, अगर मैं आरटीआई अपना ऑर्डर हो जाएगा? नो नो नो, आप ऑर्डर दिखाइए, आप ऑर्डर एनएचआई का ऑर्डर, आरटीआई के बेसिस पे ऑर्डर तो निकालेगा ना, ऑर्डर दिखाइए ना आप। ना ना ना, मैं 10 दे पे क्यों बात करूँगा, मेरी गाड़ी खड़ी है, कोई बात नहीं, पुलिस इधर है, वो निकालेगी मुझे। ठीक है ठीक है। किसका कॉल था सर?
इनका मैनेजर कहता हूँ। अच्छा जी, तो भाई जो है मामला जो है इसी जगह पे जो उड़ जी रहा है, आगे जो अपडेट होगा वो तुमने दिखाने दे रहा हूँ, आगे के साथ ही साथ जो है खबर ने शेयर कर दो। तो भाई लाइव तस्वीर आता तुम जुड़े रहे हो और के कुछ रिजल्ट निकलेगा वो जरूर आपने दिखावांगे। ये नहीं है कि भाई आज फौजी साहब ने जो निकाल दे और बाद में जो कल ना कोई और भी फंसे, लेकिन पूरा जो रिजल्ट क्या निकला, इसका निचोड़ क्या निकला, वो सारा आपने दिखावा है, साथ ही साथ खबर ने शेयर कर दो। आप पढ़े लिखे ऑनलाइन ऑनलाइन RTI लगाओ। RTI क्या होती है? RTI नहीं होती है। क्या होती है आप बताओ? फर्स्ट FIR होती है। FIR ऑनलाइन FIR होती है, RTI नहीं होती। अगर आप RTI लेके बैठे तो RTI नहीं होती है। FIR क्यों होती है? FIR नहीं होती है। जो आप करना चाहो नहीं होती, आप टिकट लीजिए। नहीं होती, मैंने पूरी लाइन क्लियर कराइए या लाइन गाड़ी साइड कराइए, नहीं होती आ रहा है, खड़े रहे। तो भाई जो है फौजी साहब जो हैं अड़ गए हैं और मैनेजर साहब जो हैं वो कहने लग रहे हैं भाई खड़ी रखो तो रखो, और फिलहाल फौजी साहब ने यह बात कह दिया कि भाई गाड़ी तो यहीं पर खड़ी रहोगी, और वे नुकान लग रहे हैं भाई हमारे पास जो है ये ऑर्डर हैं और इनके थ्रू जो है आप जो कंप्लेंट भी डाल सको हमारी, और आगे का जो अभी निचोड़ निकला नहीं है, निचोड़ तो भाई आज निकलवा के छोड़ना है। वही फौजी साहब की जो गाड़ी है वो बैग जाती हुई, और क्या कुछ पूरा मामला देखो भाई, अभी तक जो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, फिलहाल जो है फौजी साहब ने जो गाड़ी बैग करी है। कारण क्या है बैठी गाड़ी बैक करने का, क्योंकि भाई उसके कई बार देखने में मिला करा है कि भाई चीता जो है अगर दो कदम पीछे चल जा करा और पाछे फिर आगे बढ़िया करा, लेकिन जो भाई वो कदम जो है कदे आगे हों कदे पाछे हुए हैं, और भाई जो है फिलहाल जो है गाड़ी जो है बैक कर ली है। मैनेजर साहब भी अपने साथ मौजूद हैं, तो मैनेजर साहब क्या कुछ गाइडलाइन है पर आप सारी बताओ जी, सारी बता दो। मैं कितनी बार बताऊँ, मैं बता तो दिया, बस यही बगैर फास्टैग के पर्सनल व्हीकल पे किसी को एग्जामिनेशन नहीं है। नहीं फिर एक बात तो है ना भाई, इसी टोल के ऊपर जो ज़्यादा मामले सुनने मिल रहे हैं और हर जगह पर जो है, पूरे देश की जिम्मेदारी थोड़ी है मेरे पास, आपकी आपके टोल मेरे प्लाजा की जिम्मेदारी। ऐसे भी हो सकता है कि भाई आपका टोल प्लाजा पर जो है बंदा जो है टोल दे दे और आगे जाके फ्री भी निकल जाए, ऐसा उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी के पक्के जी। तो भाई फिलहाल जो है यहीं पर मामला अटक रहा है, फौजी साहब ने जो है गाड़ी बैक करके जो वहाँ पर लगा दी है, और आगे की केस जो कार्रवाई रहेगी उसका भी जो अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो है मैनेजर साहब ने यह बात कही है कि भाई मेरी जिम्मेवारी जो मेरे टोल की है और अपने जितने भी जो हैं भाई ऑर्डर्स जो हैं वो ले रहे हैं, और उन ऑर्डर्स में जो है ये लिख रखा है कि भाई जो भी पर्सनल व्हीकल जो है उसका जो है फास्टैग लगेगा अभी। और फौजी साहब जो है ये बात करने लग रहे हैं कि भाई जो है हमारी जैसे कि फौजिया की जो है छूट है, और इनके पास जो वे अपना ऑर्डर ले रहे हैं और इधर से ये जो अपना ऑर्डर ले रहे हैं। आपने यूं कहा कि भाई जो ड्रेस में होगा ना, जो सरकारी ड्रेस में होगा या वर्दी में, सरकारी गाड़ी गाड़ी सरकारी और वर्दी में होना चाहिए, वर्दी में होना चाहिए, सरकारी गाड़ी होनी चाहिए उनके पास में भी, अगर पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं तो वो अपना मूवमेंट ऑर्डर कैरी करे हों या आई कार्ड कैरी किए हों, उस पर डेट होना चाहिए, ये जैसे कि सरकारी आदेश है कोई भी उसको वो फॉलो कर रहे हैं, और मूवमेंट ऑर्डर वगैरह कैरी कर रहे हैं तो हम उसको एग्जामिनेशन देंगे। और वर्दी में हो तो हाँ, वर्दी का मतलब ये है कि भाई वो ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी है। चलो भाई ये इन तस्वीरें अभी लाइव जुड़े थे, और भाई जो मामला जो अभी समझ में आया है, अगर भाई जो प्राइवेट गाड़ी है वह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके पास ऑर्डर है किसी फौजी के पास या फिर कोई भी अधिकारी है या फिर कोई अफसर है उसके पास अगर ऑर्डर है, अगर भाई मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ तो ही उसका जो है टोल माफ होगा, चाहे वो फौजी हो चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे कोई भी हो। और भाई एक बात बड़ी निकल के आई कि भाई फौजिया का जो मैटर सुनो मैंने नहीं आ रहा था, अगर भाई जो फौजिया का टोल माफ है नहीं है, लेकिन अगर फौजी अगर वर्दी में है अगर ड्यूटी पर है तो ही उसका माफ होगा। साथ ही साथ खबर इस वीडियो में शेयर कर दो, कैमरामैन मनीष दादरी के साथ सुमित शोरान संसार कर